साथियों, संडे कैसा रहा पूछो ना, तुम्हारी ऐसी की सबको फायदा क्या मिला आपके अली विकेट लेने से? शान मसूद कप्तान, वही काम जो बाबर कर रहा था। जैसे बाबर आजम चार पांच विकेट निकलवा लेते होते थे, उसके बाद विकेट ही नहीं आती थी पाकिस्तान के नसीब में, वही काम अभी भी चल रहा है। दुनिया की बॉलिंग लाइन जिम्बाब्वे की भी होती ना, नगावारा और रबानी और जोंगवा वंगवा, वो भी डोंगवा कर देता किसी भी टीम को। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिन्होंने 26 से नथिंग। ये होती है टेस्ट क्रिकेट, आपके अंदर गूदा है, आपके घुटनों में पानी है, आपके ऊपर कोई भी सरकमस्टांसेस खिंचे हुए हो, आपकी टीम 26 के ऊपर 6 पे क्यों ना आउट हुई हो, अगर आप में दम है ना भाई साहब। सो इसी मौकों के ऊपर आप बता दो कि हमारा करेक्टर क्या है। खेलने का अंदाज चेक करें कि किस तरीके से उन्होंने उस टीम को ऐसा अंडर प्रेशर लेके आए हैं कि जो 26 पे 6 आउट करके बॉलिंग कर रही है। तारीफ तो कर दी थी जब पहले आए थे, रच के तारीफें की थी, इतनी तारीफें की थी कि इनको शायद जिसको कहते हैं ना इज्जत रास नहीं है, कुछ ज्यादा ही मैंने तारीफें कर दी थी, तो ये लो आसमानों के ऊपर उड़ गए। शान मसूद के ये देखे कप्तानी, शानी डेकिंग कर लेगा, शानी द बेस्ट, यूं हो गए शोल्डर, और खिलाएं बॉलर शॉट देखे, तीन बॉलरों से आप खेल रहे हैं मैच। आप बेशक आते साथ उनके नो आउट कर लो, अगर उन्होंने जिसको कहते हैं ना 100-150 कर दिया उसके बाद, तो आपकी बॉलिंग का फायदा क्या रहा? तंदाज और मेदी मिराज ने जो डैमेज किया पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा डैमेज है कि 26 पे 6 करने के बाद 165 रन की पार्टनरशिप लग जाए, और वो पार्टनरशिप इतनी आपको फ्रस्ट्रेट करे कि फिर बॉलिंग रिसोर्सेज जो कि आपके बॉलर चढ़े हुए थे वो भी अपने ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज अपने स्किल्स के ऊपर चेक करना शुरू कर दें। और इस बांग्लादेश जो कि काफी स्पिरिटेड है, जो कि हार नहीं मानती, बीच में मुकाबले में बार बार आती है और फिर बीच में डोमिनेट भी करती है, सारी गेम बांग्लादेश के नाम हो गई, सारा इन्होंने पाकिस्तान से इनिशिएटिव खींचा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद ये जनाब जिसे कहते हैं ना फारिक होके रह गए हुए हैं, अब इनको दोबारा से बोर्ड के ऊपर रन लगाने पड़ने, दोबारा से कुछ करना पड़ना है, तब जाके फायदा होगा। खून और चैन हमसे छीन लिया है, और इस पूरे सेशन में हमारे बॉलर्स की दुर्गत बनती रही है, फैंटी प्रोग्राम चलता रहा और मैसिव पार्टनरशिप। एक बात तो है इस टीम की कि ये बांग्लादेश जो पहला मैच जीती है, जिस तरीके से जीती है, उसका कॉन्फिडेंस तो इनके साथ है। ये पहली दफा हुआ है टेस्ट क्रिकेट की 145 साल की हिस्ट्री में कि सातवीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर 165 रन लगा दिए गए। लास्ट जो रिकॉर्ड था वो वेस्ट इंडीज के पास था, श्रीलंका के खिलाफ 2021 के अंदर 18 पे 6 कर दिया था श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज, तो फिर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, वो आज से पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हम 6 आउट भी कर ले तब भी हम सुकून में नहीं आ सकते कि क्योंकि हमें पता है कि एक पार्टनरशिप लगनी हो, मैदी हसन मिराज दो दफा उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्लेबाजी की है टेस्ट सीरीज के अंदर। एक्सेप्ट टू लेटिन डास एंड मैदी हसन मिराज, व्हाट अ सेंसेशनल 165 रन पार्टनरशिप। कभी कभार पलट के सोचता हूँ यार, हम कितना बेहतर जानते हैं इस टीम को यार, कि मतलब हमारा डर भी कितना रियल और कितना जेन्युइन है। पिछली वीडियो के अंदर 4.5 मिनट में पहुंचा तो मुझे लगा नहीं यार, ये 6 विकेटें गिरी है ना, कुछ भी हो सकता है, कैसा लम्हा आएगा, सारा काम पानी तमाम हो जाएगा। 191 पे 6 आउट जनाब, वो तो शुक्र है कि खुर्रम शहजाद ने एंड के ऊपर 2 विकेट्स निकाल ली, थोड़ी इज्जत बच गई, वरना इस सेशन के अंदर ये हाल होना था कि 26 पे 6 तो 191 के ऊपर 6, पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने इन पाकिस्तानी गेंदबाजों को इतना धोया कि ये सोच नहीं सकते थे कि बांग्लादेश 262 रन बना जाएगी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि जब 26 रनों पर 6 विकेट गिर गया था बांग्लादेश का, तो ऐसा लग रहा था सभी लोग ये मान चुके थे कि बांग्लादेश लगभग 100 के आसपास ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लिट्टन दास ने शानदार सेंचुरी बनाई, 138 रनों की शानदार पारी खेली, और उनके साथ मेहदी हसन मिर्जा ने क्या शानदार पारी खेली, आप सबने देखा ही होगा, और इन दोनों बैट्समैनों ने पूरी तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों को डिस्ट्रॉय कर दिया और 12 रन दूर रह गए फॉल वन से। 191 पे 6 आउट जनाब, वो तो शुक्र है कि खुर्रम शहजाद ने एंड के ऊपर 2 विकेट्स निकाल ली, थोड़ी इज्जत बच गई, वरना इस सेशन के अंदर ये हाल होना था कि 26 पे 6 तो 191 के ऊपर 6, पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। एट द एंड मेहदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद को आउट कर दिया, तो थोड़ी सी जो सब कहते हैं ना इज्जत बच गई है पाकिस्तानी टीम की। क्या फायदा हुआ मैं पूछता हूं, क्या फायदा हुआ? देखो बात बताऊं क्या है, आप बेशक आते साथ उनके नो आउट कर लो, अगर उन्होंने जिसको कहते हैं ना 100-150 कर दिया उसके बाद, तो आपकी बॉलिंग का फायदा क्या रहा? देखो ना, आपने 26 पे 6 आउट कर दिए, सेंसेशनल बॉलिंग, सबको उड़ा के रख दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? अंदाज खेल रहे हैं, तो मेन मुद्दा ये आता है कि आपको फायदा क्या मिला आपके अली विकेट लेने से? शान मसूद कप्तान, वही काम जो बाबर कर रहा था, जैसे बाबर आजम चार पांच विकेट निकलवा लेते होते थे, उसके बाद विकेट नहीं आती थी पाकिस्तान के नसीब में,
वही काम अभी भी चल रहा है। तंदाज एंड मेदी मिराज ने जो डैमेज किया पाकिस्तान को, मैं समझता कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा डैमेज है कि 26 पे 6 करने के बाद 165 रन की पार्टनरशिप लग जाए और वो पार्टनरशिप इतनी आपको फ्रस्ट्रेट करे कि फिर बॉलिंग रिसोर्सेज जो कि आपके बॉलर चढ़े हुए थे वो भी अपने ऊपर अपनी कैपेबिलिटीज अपने स्किल्स के ऊपर चेक करना शुरू कर दें कि हम क्या गलत करें। बॉलिंग कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं हुई, मासे भाई खुरम बहुत आगे शॉर्ट बॉल करना शुरू हो गए, लेकिन उसका क्रेडिट भी मैं लेतन दास और मेदी मिराज को देता हूं कि जिस तरीके से काउंटर अटैक किया उन्होंने भी खुरम को यहां मजबूर किया, फ्रस्ट्रेट किया कि तुम भी यहां शॉर्ट बॉलिंग करना शुरू करो, तुम पेस से हमें तंग करने की कोशिश करो, तुम बाउंस से तंग करने की कोशिश करो, तुम अपने डिसिप्लिन को छोड़ो, तुम अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ो, तुम्हारा कंट्रोल भी जाएगा। और एग्जैक्ट इसका सारा क्रेडिट बांग्लादेशी बैटर्स को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक करने की कोशिश की पाकिस्तान को। अ वेरी गुड क्रिकेट इन दिस सेशन, बांग्लादेश ने सही ग्राइंड किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी सही ग्राइंड हुआ और आखिर में आके 2 विकेट ली पाकिस्तान ने और एक उम्मीद की किरण जागी है कि मजीद आके अब आपने 2 विकेट लेनी है, देन यू हैव टू कम बैक टू बैट। लेकिन मैं अभी से बता दूं पाकिस्तान को तेज रन करने पड़ेंगे इफ पाकिस्तान वांट्स टू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस, क्योंकि आने वाले 2 दिन जो डे 4 और डे 5 है दोनों दिन रडार के ऊपर बारिश है, दोनों दिन क्लैरिटी नहीं है कि पूरे पूरे 98 ओवर नहीं तो 90 ओवर भी आपको मिल सके, रिजल्ट इस गेम में आ सकता है, बट पाकिस्तान नीड्स टू बैट। दुनिया की बॉलिंग लाइन जिम्बाब्वे की भी होती ना, नगावारा और रबानी और जोंगवा वंगवा वो भी डोंगवा कर देता किसी भी टीम को। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिन्होंने 26 से नथिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम लिटन दास एंड मेडिएशन मिराज, बट आई वांट टू नो आप कब तक हैंडीकैप हो गए लूली लंगड़ी टीम से, बैटिंग को पक्का कर, यही एग्जैक्ट इंडिया करता है, वो भी कंप्रोमाइज करता है एक बैट्समैन ज्यादा, लेकिन उनकी जीत रही है टीम, उनकी टीम डिलीवर, हमारी टीम में 2.5 बॉलरों से आप मैच खेल रहे हैं, 2.5 बॉलरों भाई, देखे वाज बॉलर को आप 5 ओवर से ज्यादा, ये खुर्रम शहजाद की हिम्मत है 18 रन खा के भी ना एक ओवर में, फिर भी आता रहा बॉल करता रहा। लेकिन मेरा सवाल ये है 26 पे 6 से अगर आपने आज यहां पे खुर्रम नसीम और उसको उतारा होता, क्या नाम है खुर्रम नसीम और मीर हमजा, तो ये होता आपका बॉलिंग अटैक। खून और चैन हमसे छीन लिया है और इस पूरे सेशन में हमारे बॉलर्स की दुर्गत बनती रही है, फैंटी प्रोग्राम चलता रहा और मैसिव मैसिव पार्टनरशिप। एक बात तो है इस टीम की कि ये बांग्लादेश जो पहला मैच जीती है जिस तरीके से जीती है उसका कॉन्फिडेंस तो इनके साथ है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि जब बांग्लादेश के 26 पे 6 विकेट आउट हो चुकी थी तो पाकिस्तानी बॉलर किस तरह से बॉलिंग करा रहे थे कि जो मतलब बांग्लादेश की टीम 262 रन बनाने में कामयाब हो गई। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से बांग्लादेश शुरुआत में बल्लेबाजी करने उतरा तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा टूटना मतलब इस स्कोर को जो 274 रन बनाई थी पाकिस्तान की टीम उसको पार कर जाएगी, लेकिन बीच मैच में जब 26 पे 6 आउट हो गए थे तो बांग्लादेश पूरी तरीके से उम्मीद पर मतलब उम्मीद हार गया था कि मतलब 274 रन जो पाकिस्तान की टीम ने मतलब फॉलो ऑन बना के दिया था उसको पार करेगी। लेकिन उसके बाद लिप्टन दास और हसन मिर्जा ने क्या शानदार मतलब पार्टनरशिप लगाई जिसके बदौलत मतलब बांग्लादेश की टीम 262 रन बनाने में कामयाब हो गई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन जिस तरह से कमबैक बांग्लादेश की टीम ने दिखाया ऐसा मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि ऐसा करने वाला वेस्टइंडीज था कि 7वें विकेट के लिए इतना ज्यादा पार्टनरशिप था, वही बांग्लादेश ने ये रिकॉर्ड बना दिया कि 7वें विकेट के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बांग्लादेश ने बना दिया। पाकिस्तान में जाकर बांग्लादेश इतनी बड़ी बड़ी कारनामे कर रही है जो सभी लोग मतलब सोचे नहीं होंगे, खुद पाकिस्तानी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी बुरी प्रदर्शन कर रही है बांग्लादेश के सामने, वो भी अपने होम कंडीशन में, और जिस तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने धोया पूरी तरीके से पाकिस्तान से पहले इस बात को लेकर मतलब हैरान था कि हमारे किस तरह से बॉलर आउट कर रहे हैं बांग्लादेश के बल्लेबाजों को, लेकिन जब बांग्लादेश ने कमबैक किया तो इन पाकिस्तानियों को औकात दिखा दी। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।